बच्चे की इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी के साथ साथ जो तीसरा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो मोटिवेशन है। जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए व्हाट इज मोटिवेशन। समथिंग विच इंस्पायर्स, स्टिमुलेट्स एंड एनर्जाइज द इंडिविजुअल टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल्स। कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो कुछ उसके अंदर से इंस्पायर करता है, उसको उद्वेलित करता है, उसको ऊर्जित करता है, वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन एक बायोलॉजिकल या साइकोसोशल स्टेट है जो व्यक्ति के अंदर होती है, और ये जो अफेक्टिव अराउजल है अर्थात किसी भी व्यक्ति की भावनाओं की जो अवस्था है, फीलिंग स्टेट ऑफ अ पर्सन, और वो क्या पाना चाहता है, उसका एंटिसिपेशन क्या है, व्हाट इज हिज और हर एंटिसिपेटरी गोल रिएक्शन, इन दोनों से प्रभावित होता है उसका मोटिवेशन। मोटिवेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हम मोटिवेशन के कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे। खासतौर पर मोटिवेशन के चार एलिमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं। द फर्स्ट वन इज नीड, आवश्यकताएं, बायोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर, सेक्सुअल अर्जेस। हम क्यों कुछ सीखना चाहते हैं? क्योंकि हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें अपना सही गामी चाहिए। देन देयर आर सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स, इंडिपेंडेंस की नीड है, सिक्योरिटी की नीड है, प्रेम की नीड है, अफेक्शन की नीड है, अचीवमेंट की नीड है। विल टॉक अबाउट ऑल दीज नीड्स व्हेन आई विल टॉक अबाउट द मास्लोज नीड हायरार्की इन डिटेल इन कमिंग स्लाइड्स। नीड के बाद है ड्राइव, चालक। दो तरह के चालक होते हैं। प्राइमरी ड्राइव्स बायोलॉजिकल नीड से जन्म लेती हैं, जैसे भोजन एक आवश्यकता है, लेकिन भोजन की आवश्यकता आपको कौन बताता है? आपकी भूख बताती है। भोजन की आवश्यकता भूख को जन्म देती है, पानी की आवश्यकता प्यास को जन्म देती है। अगर पानी की आवश्यकता ना हो शरीर को तो प्यास लगेगी नहीं। सो देयर आर सर्टेन ड्राइव्स, दो तरह की होती है। प्राइमरी ड्राइव्स जो बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए जन्म लेती हैं, एंड सेकेंडरी ड्राइव्स जो हम प्राइमरी ड्राइव से रिलेटेड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स को पाना चाहते हैं। जैसे प्यास तो प्राइमरी ड्राइव है, लेकिन प्यास पानी से बुझेगी, प्यास दूध से बुझेगी, या प्यास किसी जूस के पीने से बुझेगी, ये सेकेंडरी ड्राइव है, ये प्राइमरी ड्राइव नहीं है। प्राइमरी ड्राइव प्यास है, लिक्विड की कमी बॉडी में, वो प्राइमरी ड्राइव है, वो प्राइमरी ड्राइव को जन्म दे रही। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट मोटिवेशन में दो और है, मोटिव। मोटिव की जब हम बात करते हैं तब दो तरह के मोटिव है। स्टिमुलस मोटिव्स है जो हमारे सेंसेस से जन्म ले रहे हैं, एक्सप्लोरेशन और मैनिपुलेशन जैसे मोटिव्स हैं, और कुछ सोशल मोटिव्स हैं जो हमारी सामाजिक आवश्यकता, वो मोटिव्स हमें पूरा करने हैं। अचीवमेंट का मोटिव है, एफिलेशन का मोटिव है, पावर का मोटिव है, तो वो नीड और ड्राइव के साथ मोटिव भी अपना रोल प्ले करते हैं। देन इंसेंटिव्स, हमें पाने के बाद मिलेगा क्या? इंसेंटिव्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव इंसेंटिव्स की जब हम बात करते हैं, रिवार्ड है, अप्रेजल है, प्रमोशन है, ये सब पॉजिटिव इंसेंटिव्स हैं। फिर क्रिटिसिज्म है, पनिशमेंट है, डिमोशन है, ये सब नेगेटिव इंसेंटिव्स हैं। तो मोटिवेशन में नीड, ड्राइव, मोटिव, इंसेंटिव सबका अपना रोल होता है। अब मैं नीड पर थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। ये मास्लो की नीड हायरार्की है, लेट मी टॉक अबाउट इट। पहली नीड थी फिजियोलॉजिकल नीड, जो आप इस पिरामिड के बॉटम में देखते हैं, जो हरेक की आवश्यकताएं हैं। सांस लेना सबकी आवश्यकता है, हवा चाहिए। फूड सबकी आवश्यकता है, खाना चाहिए। वाटर सबकी आवश्यकता है, पानी चाहिए। सेक्स सबकी आवश्यकता है, सोना सबकी आवश्यकता है। होमियोस्टेटिस एडजस्टमेंट की, वो सबकी आवश्यकता है। एक्सक्रीशन जो निष्कर्षण आप करते हैं मलमूत्र का, वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है, उसको आपको पूरा करना ही होगा। जब ये नीड्स पूरी होती हैं तो आप सेफ्टी पर आते हैं। सेफ्टी में
बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, फैमिली हेल्थ, फैमिली हेल्थ, प्रॉपर्टी, यस, ये सारी चीजें सेफ्टी नीड्स में आती हैं। जब ये नीड्स पूरी होती हैं तो मित्रता, परिवार, संगी साथी, प्रेम संबंध, लव और बिलोंगिंग्स की बात होती है। उसके बाद और ऊपर के लेवल पर जाते हैं तो अपनी सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट जनरेट करना, दिस इज एस्टीम नीड। देन द टॉप इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें आपकी नैतिकता, आपकी क्रियात्मकता, आपकी स्पॉन्टेनिटी, आपका समस्या समाधान, आपको कोई पूर्वाग्रह ना रहे, आप सब चीजों को फैक्ट्स के आधार पर एनालाइज करें, ये सारी चीज आती है। तो मॉस्लो ने इस पूरी नीड थ्योरी को, आप पढ़िए मॉस्लो की, आप इसको पढ़िए तो आप इसको और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जब हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं तो दो तरह के मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स से मोटिवेट किया जाता है, जैसे किसी को पुरस्कार देकर या किसी को पनिशमेंट देकर उसको मोटिवेट करना। दूसरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपके अंदर होता है, जो आपका, आप कुछ हासिल कर लेते हैं उसकी जो खुशी है, कुछ प्राप्त करने के लिए आप में जो ललक है, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जब हम क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में इसको यूज करते हैं अपने लर्नर्स के साथ, तो हमें दोनों तरह के मोटिवेशन पर बात करनी होती है।